हाँ इनकी मान लें फेरों पे कुछ समझ में ना आए, रखो दक्षिणा रखो दक्षिणा, तो ठीक है। अब क्वेश्चन करने लगे तो इनको दर्द होने लग गया। हमें पढ़ने लिखने का थोड़ा अधिकार मिला, हमने संविधान पढ़ लिया, कुछ इनके गंध को भी पढ़ लिया, और ये सच्ची भी है, ये सच्ची रामायण है, इसको सच्ची माने, रामचरित को माने, ये कोर्ट से पास है, ये लिखी है डेट वाइज मुकदमे नंबर ई रामास्वामी पेरियार की। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है सर, ये आज की नहीं है। भागवत ने भी कहा है कि ये पूर्व हमारे पूर्वजों से गलतियाँ हुई हैं, हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। इन लोगों को हजारों साल से सताया गया था। बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म के ग्रंथों को डायनामाइट लगा कर उड़ा दो, नहीं तो ये देश बचेगा नहीं। बाबा साहब ने 1935 में कहा था कि हिंदू धर्म इतना गंदा है, मैं इसमें पैदा हुआ था, मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। 24 का इलेक्शन, संविधान वर्सेस मनुस्मृति, मंडल वर्सेस कमंडल होना चाहिए, इन लोगों को पता लग जाएगा ये कितने हैं। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। देश भर में एक विवाद, एक विमर्श जो बना हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से रामचरितमानस के कुछ श्लोक को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने और बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से बहुजन समाज यानी कि शूद्र समाज को लेकर के जो गाली दी गई हैं, जिस तरह से जो अपमानित शब्द रामचरितमानस में जोड़े गए हैं, उनको हटाना चाहिए, उनमें संशोधन करना चाहिए। वहीं दूसरे लोग इस पर जो खासतौर से हम देखें तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग जो है वो इसको जो है रामचरितमानस का अपमान मान रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो श्लोक है इसका अर्थ जो है वो गलत निकाला जा रहा है। मेरे साथ में वीर सिंह बौद्ध जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं और समसामायिक सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात जो है बेबाकी से रखते हैं। सर किस तरह से देखते हैं ये जो रामचरितमानस का कोई अपमान नहीं किया गया? मैं स्वामी प्रसाद मौर्य, डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। गलतियाँ जो पहले हुई हैं उनको सुधार कर लेना चाहिए। आज के अखबार में आरएसएस चीफ माननीय मोहन भागवत ने भी कहा है कि ये पूर्व हमारे पूर्वजों से गलतियाँ हुई हैं, हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। इन लोगों को हजारों साल से सताया गया था, ग्रंथों के माध्यम से, सामाजिक से, हर तरीके से लोगों को सताया गया था। तो अपनी गलती ये भूल सुधार करने की बजाय उल्टा ये अब और जो ना इसको विवाद पैदा खुद आरएसएस के और ये हिंदुत्व के एजेंडे के नीचे छुप के कर रहे हैं और इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं ये लोग। वो कह रहे हैं कि आप अर्थ गलत निकाल रहे हैं आप। हाँ इनकी मान लें फेरों पे कुछ समझ में ना आए, रखो दक्षिणा तो ठीक है। अब क्वेश्चन करने लगे तो इनको दर्द होने लग गया। हमें पढ़ने लिखने का थोड़ा अधिकार मिला, हमने संविधान पढ़ लिया, कुछ इनके गंध को भी पढ़ लिया, और ये सच्ची भी है, ये सच्ची रामायण है, इसको सच्ची माने, रामचरित को माने, ये कोर्ट से पास है, ये लिखी है डेट वाइज मुकदमे नंबर ई रामास्वामी पेरियार की। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है सर, ये आज की नहीं है। ये संत रैदास, कबीर महाराज, गुरु नानक, उससे पहले महात्मा बुद्ध, ये पूरा का पूरा बुद्धिस्ट कंट्री था। इन लोगों ने इसको जो है ना कब्जा करके और इसको कन्वर्ट किया है। आज भी कितनी गुफाएं हैं, सारे के सारे ये बौद्ध विहार थे, जितने बड़े मंदिर हैं, ठीक है ये सत्ता में है, आजकल ये चला रहे हैं अपनी। आप मैं और पीछे ले जाऊँ, 6 दिसंबर 1992 को ही बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी, क्या कारण था? एक दिन आगे पीछे भी तोड़ लेते। ये विचारधारा, ये डेट सेट होती है आरएसएस के हेडक्वार्टर से। 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस होता है, इसलिए उस दिन को कलंकित करना था। ये एजेंडे सेट होते हैं कि बाबा की विचारधारा को दबाना इनका मेन एजेंडा है, और वो जितना दबाएंगे उतना ही वो बड़े पेड़ बन के निकल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सर कि जिस तरह से ओबीसी समाज के लोग जो है जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से मुखर होकर बोल रहे हैं, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य या चंद्रशेखर जी का बयान आया, तो कि उस तरफ भी उसका भी एक डर है कि ओबीसी समाज अगर मुखर होकर आ गया तो जो है पूरा जो हिंदुत्व का जो स्ट्रक्चर जिसके तहत हम जो है इम्पोर्टेंट पोजिशन पर बैठे हैं वो वहाँ से। मैं भी यही चाह रहा था कि 24 का इलेक्शन संविधान वर्सेज मनुस्मृति, मंडल वर्सेज कमंडल होना चाहिए, इन लोगों को पता लग जाएगा ये कितने हैं। अगर ये इकट्ठा एक का बन गया, अगर ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज सारे इकट्ठे हो गए एक छतरी के नीचे आ गए, तो इनको यहाँ पैर रखने की जगह मिलना मुश्किल है, जो ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं।
सकते क्या उस कदम उस पहल की ओर ये चल रहा है, ये मिसाइल ठीक हो रहा है, ये अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं और इसीलिए क्या मोहन भागवत को ये बयान देना। आज के अखबार में ये रहा, मेरे पास अखबार है, मैं दिखा सकता हूँ। उन्होंने क्लियर कहा है कि हमारे पूर्वजों से गलती हुई, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, उसको एक्सेप्ट ना करने की बजाय उल्टा ये तो उकसा रहे हैं लोगों को। और ये 22 पत्ती का रामचरितमानस पर ये गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं बाबा साहब से बड़ा किसी को नहीं मानता, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, मैं इनको मानता हूँ। यही मैंने राजेंद्रपाल गौतम के साथ ली थी और मेरे पास बुद्धिस्ट का सर्टिफिकेट भी है। मैं हिंदू नहीं हूँ, ओके, मैं इंसान हूँ। हिंदू नहीं है लेकिन वो कहते हैं आप नहीं, नहीं, हमारे देवी देवताओं का अपमान क्यों कर रहे हैं? उनको बॉर्डरों पर बैठाओ, सारे देवी देवताओं क्या लेकर इस तरह उन सारे देवी देवताओं को बॉर्डरों पर बैठाए, चाहे नांदर घुसे वहाँ बैठाओ ना, हनुमान को बैठाओ, शिव जी को बैठाओ, त्रिशूल सबके पास हथियार है वहाँ बैठाओ ना, हमारी सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी, फौज की हमें जरूरत नहीं है, सबको वहाँ बैठाए। तो प्लीज़ ये धर्म के आड़ में इस देश का सत्यानाश करने जा रहे हैं, सिर्फ ये अपना तिलक चंदन लगाएं और अपना घंटा बजाएं। ना काम तो किया नहीं कभी, फरीका खाया इन लोगों ने, मेहनत तो इन लोगों ने की है, एससी ने की, एसटी ने की, ओबीसी ने की है, माइनोरिटीज की है, देश को बनाने वाले तो लोग ये है ना, हल ये चलाते हैं, सड़क ये बनाते हैं, भवन ये बनाते हैं, सारे अधिकार इन्हीं के पास थे। यहाँ तक अधिकार था मनुस्मृति के मुताबिक, ये किसी भी वर्ण की लड़की से रेप कर ले तो कोई सजा ही नहीं थी, ये तो एंजॉय किया इन लोगों ने। तो आज थोड़ा बहुत अधिकार मिले हैं संविधान की वजह से तो इनको दर्द हो रहा है, वो संविधान इनको हजम नहीं हो रहा, और ये टकराव विचारों का है, बाकी तो सारे ये किसी अस्पताल में जाकर जो ना आईसीयू में जाके क्यों नहीं लेते? मीडिया जो है मनु मीडिया वो इस पूरे आपकी जो लड़ाई है, आपका जो मिशन है उसे पूरा डाइवर्ट करने की कोशिश में लगा पड़ा है, उसे डैमेज करने के लिए वो तो लगे हुए हैं। इस रवीश जैसे निकाल दिए इन्होंने, कितने पत्रकार मरवा लिए गौरी लंकेश डा बोलकर, कितने जो है ना सच्चाई कहने वाला आरएसएस को हजम नहीं होता, और ये झूठी सरकार है, मक्कार सरकार है, सच बोलने वाले की तो यहाँ कदर है ही नहीं। ठीक है सर, बाकी ये सबकी ड्यूटी है, देश को बचाएं, सबका योगदान है। बाकी ये जो इतने कट्टर जो है ना टीके वाले, वो जब आईसीयू में जाते हैं तो वहाँ क्यों नहीं मांगते खून किसी का? भाई मेरे को जरूरत पड़ जाए तो ब्राह्मण का ही खून देना मुझे, या मुझे हिंदू का ही खून देना। ऐसी लेबोरेटरी वर्ल्ड में बनी है कहीं जो ये बता दे कि हिंदू का खून है या मुस्लिम का खून है? इन बात ये बातें इनको समझ में नहीं आती? बाकी तो तीन लोग की जानते हैं, ब्रह्मांड की भी जानते हैं, ज़मीन के नीचे क्या है उसके भी बता देंगे, वहाँ पहाड़ी मीठा निकलेगा जिसमान, उनको ये बात समझ नहीं आती? एक वो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते बोले हमारे प्लास्टिक क्षति तो कब से थी, शिव जी ने जो ना पलाव हाथी का सिर फिट कर दिया था गणेश के। इनको ये नहीं पता मूर्खों को कि किसी जानवर का एक बूंद खून इंसान का नहीं चढ़ सकता, ज्ञानवान है। आप मोदी जी को भी मूर्ख कह रहे हैं? मतलब जो मूर्ख का काम नहीं, वो दुनिया हंसी इस बयान पर के। आप सोचिए ना किसी जानवर का, अरे इससे अच्छा तो उसका इसे पास में खड़ा था पड़ा था वही लगा देते कम से कम, वो क्रूप तो नहीं होता, इंसान का इंसान तो रह जाता वो। बाबा साहब ने कहा था कि इस हिंदू धर्म के ग्रंथों को डायनामाइट लगा कर उड़ा दो नहीं तो ये देश बचेगा नहीं। लास्ट किताब है बाबा साहब की द रिडल्स ऑफ हिंदुत्व, हिंदू धर्म की पहेलियाँ, वो भी लाकर दिखा दूंगा किसी दिन। उसमें जो ना सारे आपस में टकराते हैं देवता, वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, एक वेद में कुछ बात है दूसरे में उसका विरोध करती है, एक मनुस्मृति में दूसरी बात है, एक पुराण में कुछ कह रहा है दूसरा पुराण कुछ कह रहा है, सारे आपस में टकराते हैं। एक आखिरी सवाल, आपने बाबा साहब की बात की, बाबा साहब ने जिस तरह से धर्म ग्रंथों के बारे में कहा है, लेकिन सर दूसरी तरफ बहुत सारे पत्रकार, सुधीर चौधरी को मैं एक दिन देख रहा था 26 जनवरी पर जो प्रोग्राम किया था, वो यहाँ पर जो हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बाबा साहब ने कहा उस पर बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने मुसलमानों को कहा था वो देशद्रोही है, वो वफा नहीं करते, इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं सारे चैनल इस वक्त, इनसे बचिए आप। मैं तो टीवी देखना बंद कर दिया, सोशल मीडिया पर जो कुछ आ जाता देख लेते हैं, मैं टीवी नहीं देखता, अखबार देख लेता हूँ बस, टीवी नहीं देखता। 24 घंटे गंद फेंकना इन लोगों ने, देश कहाँ जा रहा है, बेरोजगारी महंगाई जो सारी बातें जो थी, शिक्षा स्वास्थ्य उसको कोई मतलब नहीं इन लोगों ने। हम सत्ता में रहें दुनिया मरती रहे, ठीक है, और ये देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। एक भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818 में हुआ था, ये और करवाएंगे, अब ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, इनको छेड़ो मत, ये तादाद में ज़्यादा हैं, अगर ये बेकाबू हो गए तो सरकार से संभलेंगे नहीं। और क्या उसी का कारण है ये मोहन भागवत जी का जो बयान आया है? मैं उनके बयान का बहुत स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ सर मोहन भागवत का। उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की है, ये अब भी समझ जाएं, नहीं तो बाबा साहब ने 1935 में कहा था कि हिंदू धर्म इतना गंदा है, मैं इसमें पैदा हुआ था, मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। इसलिए उन्होंने 35 से 21 साल तक सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, सारे इन्होंने वो वेद नहीं पढ़े उतनी बार, उन्होंने कितनी वेद रामायण सारे हिंदू ग्रंथों को 10-10 बार पढ़ के निष्कर्ष निकाला कि ये धर्म किसी काम का नहीं है।
14 अक्टूबर 1956 को 8 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इन लोगों को समझ में नहीं आती अभी, ठीक है, तो बहुजन समाज के लोगों को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, इसमें नहीं।